हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। ये सभी है आपके क्वेश्चन आईएएस पीसीएस प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। तो इस तरह के हम लोग 41 टेस्ट अभी तक ख़त्म कर चुके हैं, ये आपका 42वां टेस्ट है। चलिए तो 42वें टेस्ट का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बाजार हस्तक्षेप योजना MIS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे राज्य सरकारों के अनुरोध पर लागू किया गया है, यह आपका बिल्कुल सही है। MIS को कृषि उत्पादों के लिए लागू नहीं किया जा सकता है, ये आपका गलत है। इसमें केवल आपका एक कथन सही है। भारत सरकार उन कृषि और बागवानी वस्तुओं की खरीद के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना का कार्यान्वयन करती है जिनकी प्रवृत्ति नष्ट होने वाली होती है और जो मूल समर्थन योजना के तहत शामिल नहीं होती है। याद रखना है, भारत सरकार उन कृषि और बागवानी वस्तुओं की खरीद के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना का कार्यान्वयन कर रही है जिनकी प्रवृत्ति नष्ट होने वाली होती है और जो मूल समर्थन योजना PSS के तहत शामिल नहीं होते। अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत शामिल की गई हैं? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत शामिल की गई है, आप लोगों को बताना है। इनमें से उर्वरक सही है, खाद्य तेल ये भी है, दालें ये भी है, चीनी ये भी है, पेट्रोलियम उत्पाद ये भी है। पांचों वस्तुएं शामिल हैं इसमें। 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम अधिनियमित किया गया था, तब से सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को उचित कीमतों पर वस्तु उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक घोषित वस्तुओं का उत्पादन आपूर्ति वितरण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये सभी वस्तुएं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत शामिल हैं, ठीक है। तो इसमें आपका डी होगा पांचों। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। खरीद मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खरीद मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसकी घोषणा फसल की बुआई से पूर्व की जाती है, गलत है। खरीद मूल्य हमेशा न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक होता है, ये भी आपका गलत है। यानी कि दोनों कथन आपके गलत हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य या बाजार हस्तक्षेप का एक रूप है जिसमें सरकार फसल की कीमतों में किसी भी भारी गिरावट के खिलाफ किसानों को सुरक्षा प्रदान करती है। खरीद मूल्य यह ऐसी कीमत होती है जिस पर सरकार भारत का खाद्य निगम के माध्यम से बफर स्टॉक और PDS सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनाज खरीदती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा पहले की जाती है जबकि खरीद मूल्य की घोषणा कटाई की बात की जाती है, ठीक है, याद रखना। और खरीद मूल्य अक्सर न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक होता है, जो आपका खरीद मूल्य होता है अक्सर न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक होता है, लेकिन कभी कभी यह बराबर भी हो सकता है क्योंकि अधिकांश राज्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ अतिरिक्त मूल्य जोड़कर खरीद सकते हैं। इसलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका डी था, ना तो एक सही था ना ही दो। बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। राष्ट्रीय कृषि बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय कृषि बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसकी स्थापना कृषि प्रौद्योगिकी अवसंरचना कोष के माध्यम से की गई, सही है। इसका क्रियान्वयन लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा किया जाएगा, ये भी आपका सही है। इसमें कृषि उत्पाद बाजार समिति द्वारा संघीय बाजार कर को
समाप्त करने का प्रावधान किया गया है, ये आपका गलत है। लेकिन आपको इस पॉइंट को हर बार पढ़ लेना है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या पूछ रहा है? सही नहीं है, तो इसमें आपका तीसरा कथन सही नहीं है। अगर पूछता सही है तो आपका एक और दो कथन सही था, तीसरा कथन इसमें गलत है, क्योंकि इसमें एकल बिंदु पर बाजार कर एकत्रित करने का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर चार में आपका केवल तीसरा गलत था, एक और दो सही थे। बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों ने, चौथा क्वेश्चन में आपका तीसरा बी ऑप्शन सही है, ठीक है, इसमें याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर चार में, क्वेश्चन नंबर पांच है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, चालू खाता वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात एवं आयात तथा भुगतान के लेन देन को दर्ज करता है, सही है। पूंजी खाता सभी अंतर्राष्ट्रीय खरीद और परिसंपत्तियों की बिक्री को दर्ज करता है, ये भी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर पाँच में आपके दोनों कथन सही है, क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा छठवां, स्वायत्त और समायोजित लेन देन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हमें स्वायत्त और समायोजित लेन देन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लेन देन को स्वायत्त तब कहा जाता है जब वे भुगतान संतुलन की स्थिति को से स्वतंत्र होते हैं, सही है। समायोजित लेन देन का निर्धारण स्वायत्त मदों के शुद्ध परिणाम के आधार पर किया जाता है, ये भी आपका सही है। भुगतान संतुलन में समायोजित लेन देन को रेखा से ऊपर की मदें कहा जाता है, जबकि स्वायत्त लेन देन को रेखा से नीचे की मदें कहा जाता है, ये आपका गलत है। तो क्वेश्चन नंबर छठवें में आपका एक और दो कथन सही है, तीसरा आपका गलत है। क्या है तीसरा आपका गलत है? अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लेन देनों को तब स्वायत्त कहा जाता है जब लेन देन अदायगी संतुलन में विषमता को पूरा करने के अलावा किसी और कारणवश किए जाते हैं, अर्थात जब वे बीओपी की स्थिति से स्वतंत्र होते हैं। इन मदों को अदायगी संतुलन में रेखा के ऊपर की मदें कहते हैं। जब स्वायत्त प्राप्तियां स्वायत्त अदायगियों से अधिक हों तो भुगतान संतुलन की को अधिशेष कहा जाता है। समायोजित लेन देन का निर्धारण अदायगी संतुलन की विषमता द्वारा होता है, अर्थात जब भुगतान का संतुलन घाटे अथवा अधिशेष में होता है, ठीक है, याद रखना। तो इसमें आपका एक और दो कथन सही था, तीसरा गलत था। बात करते हैं हम लोग सातवें क्वेश्चन की। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सांकेतिक प्रभावी विनिमय एक बहुपक्षीय दर है जिससे विदेशी करेंसियों की प्रतिनिधि टोकरी की कीमत प्रदर्शित होती है, सही है। वास्तविक प्रभावी विनिमय दर की गणना उसके सभी व्यापारिक साझेदारों की वास्तविक विनिमय दर के भारित औसत के रूप में की जाती है, जो कि विदेशी व्यापार में क्रमशः विभिन्न देशों के अंश का मान है, ये भी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर सात में आपके दोनों कथन सही हैं, क्या होगा इसमें? होगा आपका सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि दोनों कथन आपके सही हों। बात करते हैं आठवें क्वेश्चन की। वास्तविक विनिमय दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, वास्तविक विनिमय दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। यदि वास्तविक विनिमय दर एक से अधिक है तो अपने देश की तुलना में विदेश में वस्तुएं अधिक महंगी होंगी, सही है। वास्तविक विनिमय दर का उपयोग अक्सर किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्पर्धा की माप के लिए किया जाता है, ये भी आपका सही है।
यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 में आपके दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 9वां, क्या है क्वेश्चन? रुपए की परिवर्तनीयता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। चालू खाता परिवर्तनीयता का अर्थ है कि भारतीय रुपए को व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी भी राशि के लिए मौजूदा बाजार दरों पर किसी भी विदेशी मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है। सही है, भारतीय रुपया पूंजी खाता और गैर परिवर्तनीय है, ये भी आपका सही है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 में आपके दोनों कथन सही होंगे, सी ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं हम लोग 10वें क्वेश्चन की, क्या है 10वां क्वेश्चन हमारा? पितिकारी कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है? विचार ही करना है। एक घरेलू उत्पादकों की सुरक्षा के लिए आयात सब्सिडी के नकारात्मक प्रभाव का सामना करने के लिए लगाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। ये शुल्क विश्व व्यापार संगठन द्वारा दिए गए विनिर्देशों के तहत नहीं लगाए जा सकते हैं, गलत है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत डंपिंग रोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय जाँच कराने और काउंटिंग बेलिंग ड्यूटीज शुल्क की सिफारिश करने के लिए उत्तरदायी है, ये भी आपका गलत है। इसमें केवल आपका एक कथन सही है और 2 और 3 गलत है। जब कोई देश निर्धारित वस्तु से कम मूल्य पर अपने उत्पाद अन्य देशों में बेचता है तो आयातक देश द्वारा यह जानने के लिए एंटी डंपिंग जांच की शुरुआत की जाती है और इससे उसके देश के घरेलू उद्योग तो प्रभावित नहीं हो रहा है। इसके प्रत्युत्तर में विश्व व्यापार संगठन की बहुपक्षीय व्यवस्था के तहत ऐसे उत्पादों के आयात पर शुल्क लगाए जाते हैं, जैसे कि अपने भारत में चाइना मान लीजिए बहुत सस्ते दामों पर मोबाइल बेच रहा है, ठीक है, कोई भी मोबाइल ले लो एक आप लो, और तो हमारे देश की जो कंपनियां हैं उन्हें नुकसान होगा क्योंकि हमारी लागत से कम पर ही बेच रहा है वो चाइना, तो हमारा जो आपका देश होगा वो एंटी डंपिंग जांच की शुरुआत करेगा कि हमारे देश की कंपनियों को नुकसान तो नहीं हो रहा है। अगर नुकसान हो रहा है तो वो कर लगाएगा उन पर, उन वस्तुओं पर उच्च कर लगाएगा जिससे वो वस्तुएं भी महंगी हो जाएंगी और आपके देश में जो कारखाने लगे हुए हैं या उत्पादक हैं मोबाइल के उन्हें लाभ नहीं हो, हानि नहीं होगी, ठीक है, वो लाभ की स्थिति में रहेंगे, ठीक है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत अप्रैल 1998 में डंपिंग रोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय का गठन किया गया। यह वाणिज्य मंत्री की एक साथ जांच शाखा है और सीमा शुल्क अधिनियम के तहत जांच कराने और सिफारिश करने के लिए उत्तरदायी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका केवल एक सही था। बात करते हैं हम लोग 11वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ट्रेडमार्क एक कानूनी शब्द है जो रचनाकारों को उनके मूल साहित्यिक संगीत या कलात्मक कार्यों के लिए दिए गए अधिकारों का वर्णन करता है जो उन्हें उनके निरंतर उपयोग को नियंत्रित करने की अनुमति देता है, गलत है। पेटेंट एक शीर्षक है जो अपने मालिकों को पेटेंट में उल्लेखित आविष्कार का शोषण होने से बचने का अधिकार प्रदान करता है, ये आपका सही है। तो इसमें आपका केवल 2रा कथन सही होगा, पहला गलत होगा। ट्रेडमार्क जो आपका होता है एक चिन्ह होता है जिसके द्वारा एक व्यवसाय अपने उत्पादों या सेवाओं की पहचान करता है और उन्हें प्रतियोगिताओं द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुओं से अलग रखता है, ठीक है, याद रखना। 11 में आपका 2रा क्वेश्चन सही था। बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की। यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की स्थापना मध्य और पश्चिमी यूरोप में शीत युद्ध के बाद एक नए युग के निर्माण में मदद करने के लिए की गई थी। बिल्कुल गलत है आपका। ईबीआरडी सेवाएं और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए निजी क्षेत्र के अलावा स्थानीय सरकारों के साथ भी काम करता है। सही है, भारत हाल ही में इसमें शामिल हुआ। इसके संयुक्त निवेश के लिए संचालक देश बन गया है। ये आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपका 2 और 3 सही है, एक आपका गलत है। एक गलत क्यों है? इसमें सही होगा आपका यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की स्थापना मध्य और पूर्वी यूरोप में शीत युद्ध के बाद एक नए युग के लिए के निर्माण में मदद करने के लिए की गई थी। इसमें आपका बी होगा। ठीक है, बात करते हैं 13वें क्वेश्चन की। 13वां क्वेश्चन है हमारा, वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईसीओआर उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई का निर्माण करने के लिए आवश्यक पूंजी या निवेश की अतिरिक्त इकाई को इंगित करता है। सही है, जितना अधिक आईसीओआर का मूल्य होता है उतनी ही कम देश की उत्पादन क्षमता का स्तर होता है। ये भी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपके दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन है 14। निम्नलिखित में से कौन सा अपस्फीति अंतर अथवा डिफ्लेशनरी गैप का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह रोजगार के पूर्ण स्तर पर संभावित आउटपुट और अर्थव्यवस्था के वास्तविक स्तर पर आउटपुट के बीच का अंतर है। बी ऑप्शन सही है। इसमें क्या है? बी ऑप्शन सही है 14 का। बात करते हैं हम लोग 15वें क्वेश्चन की। 15वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से सरकार के आकस्मिक देनदारियों के अंतर्गत आते हैं? फसल बीमा, मुकदमेबाजी के तहत कर रिफंड या पितिदार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बाहर करना, मुकदमेबाजी के तहत कर बकाया। ये आपका गलत है। इसमें 1, 2, 3 है। ठीक, 15 में क्या हुआ? बी ऑप्शन सही हुआ, 1, 2, 3। क्वेश्चन है हमारा 16। विश्व व्यापार संगठन के तहत विभिन्न प्रकार के बॉक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ब्लू बॉक्स की सहायता सब्सिडी है। ब्लू बॉक्स सहायता सब्सिडी है जो उत्पादन को सीमित करने वाले सरकारी कार्यक्रमों से संबंधित है। सही है, ग्रीन बॉक्स घरेलू समर्थन उपाय है जो व्यापार वक्रता या अधिकांश कारणों से न्यूनतम वक्रता का कारण नहीं होता है। ये भी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपके दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं 17वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दुर्लभ मुद्रा हार्ड करेंसी एक मौद्रिक प्रणाली है जिसे विश्व भर में व्यापक रूप से वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान के रूप में स्वीकार किया जाता है। सुलभ मुद्रा के मूल्य में उतार चढ़ाव होता रहता है, यह अस्थिर प्रकार की होती है। ये आपका सही है। क्या होगा इसमें? दोनों सही है। आपको जैसे कि पता होगा हार्ड करेंसी में आपके
US डॉलर, यूरो और जापानी येन आ जाते हैं। और जो आपकी सॉफ्ट करेंसी है, इसमें आपकी जिम्बाब्वे डॉलर और वेनेजुएला बोलिवार यहाँ की मुद्राएं आ जाती हैं। ठीक है, इसमें आपका 17 में सी था। क्वेश्चन है 18, न्यू डेवलपमेंट बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यू डेवलपमेंट बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे फोर्टा लेजा घोषणा के परिणाम स्वरूप स्थापित किया गया था। सही है, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य इस बैंक के सदस्य होते हैं, ये भी सही है। नई दिल्ली 2012 में आयोजित 34वें विश्व नई दिल्ली 2012 में जो आयोजित 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के नेताओं ने ब्रिक्स एवं अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बुनियादी ढांचे तथा सतत विकास परियोजनाओं हेतु संसाधन जुटाने के लिए एक नया बैंक, विकास बैंक स्थापित करने की संभावना पर विचार किया था। फोर्टा लेजा 2014 में आयोजित 6ठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स नेताओं द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हेतु हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, बैंक के समझौते संबंधी अनुच्छेद के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य बैंक के सदस्य हो सकते हैं। हालांकि ब्रिक्स राष्ट्रों की हिस्सेदारी कभी भी 55% से कम नहीं हो सकती, याद रखना है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन था, दोनों सही थे। क्वेश्चन है हमारा 19, वाणिज्यिक पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक नियम द्वारा जारी एक सुरक्षित अल्पकालिक ऋण साधन है, बिल्कुल गलत है। वाणिज्यिक पत्र आमतौर पर अंकित मूल्य पर प्राप्त छूट पर जारी किए जाते हैं और ये प्रचलित बाजार ब्याज दरों को दर्शाते हैं। ये आपका सही है, इसमें आपका एक गलत है, दूसरा आपका सही है। वाणिज्य पत्र एक निगम द्वारा जारी असुरक्षित और अल्पकालिक ऋण साधन है, जो आमतौर पर देय खातों और इन्वेंटरी के वित्त पोषण एवं अल्पकालिक देनदारियों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें आपका दूसरा केवल सही था। बात करते हैं 20वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। सांप्रदायिक पंचाट के खिलाफ साबरमती आश्रम में गांधी जी ने आमरण अनशन पर बैठे थे, गलत है। सांप्रदायिक पंचाट को कांग्रेस ने खारिज कर दिया, ये भी आपका गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपके दोनों कथन गलत है। 20 सितंबर 1932 को, कब? 20 सितंबर 1932 को गांधी जी यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठे थे, जहां उस समय उन्हें कैद रखा गया था। सांप्रदायिक पंचाट से पूर्णतः असहमत होते हुए कांग्रेस ने ना तो इसे स्वीकार किया था ना ही इसे खारिज किया था। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपका डी था, ना तो एक सही था और ना ही दो। बात करते हैं हम लोग 21वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन से कारक भारत में मानसून को प्रभावित करते हैं? अटलांटिक और प्रशांत महासागर के बीच समुद्री सतह की ताप प्रवणता, सही है। यूरोप के ऊपर सतही वायु का तापमान, कोरियालिस बल, समुद्र और जमीन पर वायु दाब प्रवणता, ये भी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपका चारों होंगे, डी ऑप्शन सही हो। बात करते हैं हम लोग 22वें क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्रूज मिसाइलों को एकल प्रक्षेपण बल से आप से प्रक्षेप के रूप में लक्षित किया जाता है,
जिसमें बहुत अधिक मार्गदर्शन नहीं होता है। जब बैलिस्टिक मिसाइल में आमतौर पर एक मार्गदर्शन प्रणाली कार्य करती है, गलत है। बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग स्थलीय लक्ष्यों के विरुद्ध किया जाता है, जबकि क्रूज मिसाइल का उपयोग अतिरिक्त स्थलीय खतरों के विरुद्ध भी किया जा सकता है। ये भी आपका गलत है। 22 में आपके दोनों कथन गलत हैं। बैलिस्टिक मिसाइल अपने पिछले पथ पर आगे बढ़ने वाली मिसाइल है, भले ही वह हथियार के तौर पर मारक क्षमता से युक्त हो या नहीं। बैलिस्टिक मिसाइल को एक एकल प्रक्षेपण बल से प्रक्षेप के रूप में लक्षित किया जा सकता है, जिसमें बहुत अधिक मार्गदर्शन नहीं होता है। इसे इनकी रेंज और धरती की सतह के जिस हिस्से से लॉन्च किया जाता है वहां से उनके लक्ष्य तक की अधिकतम दूरी तक पेलोड को ले जाने के आधार पर कई श्रेणियों में विभाजित किया जाता है बैलिस्टिक मिसाइल को। फिर आपकी जो क्रूज मिसाइल, क्रूज मिसाइलों में आमतौर पर एक मार्गदर्शन प्रणाली पेलोड और विमान प्रणोदन प्रणाली होती है। क्रूज मिसाइल मानव रहित सेल्फ प्रोपेल्ड यानी स्वचालित गाइडेड व्हीकल है, जो एरोडायनेमिक लिफ्ट के माध्यम से हवा में उड़ान भरती है। इसका इस्तेमाल कुछ आयुध या किसी खास पेलोड को लक्ष्य पर दागने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें आपके दोनों कथन गलत थे, यानी कि डी ऑप्शन था। बात करते हैं 23वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्यूब सेट एक षड्कोण आकार का लघु उपग्रह है। इसके लघु आकार के कारण इसका उपयोग सदैव उपयोग संचार उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता। एक क्यू सेट को 10 से 12 साल तक संचालित किया जा सकता है। तो याद रखना, आपके तीनों कथन इसमें गलत हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपके तीनों कथन सही नहीं है। ठीक है, जो क्यूब सेट है 10 × 10 × 10 × 10 × 10 सेंटीमीटर क्यूबस के एक मॉड्यूलेटर संरचना से निर्मित है। यह व्यावसायिक रूप से उपलब्ध अतिरिक्त घटकों को विविधता प्रदान करता है, जिन्हें विभिन्न निर्माताओं ने संरचना में फिट होने के लिए डिजाइन किया है। क्यूब सेट का उपयोग वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता है, जैसे दूर संचार सेवाओं द्वारा प्रदान करना या पृथ्वी के अवलोकन के हेतु। एक क्यूब जो आपका सेट होता है, इसे 3 से 12 महीने की अवधि के लिए संचालित किया जा सकता है, 3 से 12 महीने की अवधि के लिए। ठीक, तो इसमें होगा सी, क्योंकि तीनों कथन आपके गलत हैं। 1, 2 तीनों कथन सही नहीं है। बात करते हैं 24वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। टाइगर रिजर्व का गठन कोर जोन में ही किया जा सकता है, गलत है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक कार्यकारी संस्था है, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में विदत्त एक व्यापक कार्यान्वयन भूमिका का निर्वहन करती है। ये भी आपका गलत है। दोनों कथन आपके गलत हैं। 24 में भारत सरकार ने 1973 में राष्ट्रीय पशु बाघ को संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया। प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक सतत केंद्र प्रायोजित योजना है, जो नामित बाघ राज्यों में बाघ संरक्षण के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करती है। टाइगर रिजर्व का गठन एक कोर बफर राज्य रणनीति पर किया जाता है। एक राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य के कोर क्षेत्र को कानूनी दर्जा प्रदान होता है।
जबकि बफर या परिधीय क्षेत्र वन और गैर वन भूमि का मिश्रण होते हैं, जिन्हें एक बहुउपयोगी क्षेत्र के रूप में प्रबंधित किया जाता है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। वर्ष 2006 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों में संशोधन कर बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रखना। 24 में आपका डी था। क्वेश्चन है हमारा 25। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। राष्ट्रीय पित्ती रक्षा विज्ञान संस्थान ने वर्ष 2001 में एक एंटीबायोटिक विकसित की जिसने भारत में खसरा के प्रसार को कम किया। गलत है। यह वायरस श्वसन भाग को संक्रमित करता है और फिर पूरे शरीर में फैल जाता है। ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 25 में आपका दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। वायरस के लिए एंटीबायोटिक विकसित नहीं किया जा सकता है। एंटीबायोटिक वायरस के मामले में काम नहीं करता है। ठीक है, याद रखना। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही था। तो चलिए, ये थे आपके 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जो आपके फिर चाहे वो आपका स्टेट पीसीएस हो या फिर आईएएस हो, उनके लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस हम लोग और आगे भी सॉल्व करेंगे। ठीक।